बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद। एक्सरसाइज 3.4 आज करेंगे हम स्टार्ट, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान सा है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। और इससे पहले भी मैंने आपको इस तरह का सवाल जो है वो सॉल्व करवाया है। ओरली मैं इनके सारे पार्ट्स के आंसर आपको डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है। करना हमें ये होता है कॉन्जुगेट में कि हमें सिर्फ जो साइन आपको बीच में नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे प्लस कर देना होता है, जहाँ प्लस लिखा है वहाँ पे माइनस कर देना होता है। तो सिर्फ हमें साइन चेंज करना होता है, तो उस तरह से कॉन्जुगेट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ हर पार्ट का, ठीक है। तो √6 - 2 का आंसर होगा √6 + 2, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका। 10 + √10 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 10 - √10। सिमिलरली इसका कॉन्जुगेट होगा 3 + 2 √2, 3 √2 -2 √3, 5 √10 - √3। डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। 4 √5 + √11, 11 - √7, 9 + √7। सिर्फ साइन चेंज करना होता है। अब अगला पार्ट देखते हैं हम इसका, मतलब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रैशनलाइज करना है, यानी कि इरेशनल नंबर है उसे रैशनल बनाना है। डिनोमिनेटर की बात हो रही है यहाँ पे, डिनोमिनेटर जो है उसे रैशनलाइज करना है हमें। ऊपर वाली जो चीज़ होती है न्यूमिनेटर होती है, नीचे वाली जो चीज़ है फ्रैक्शन के अंदर इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर जितने भी हैं वो कह रहे हैं उनको रैशनलाइज कर दें। अभी फिलहाल देखें यहाँ पे √2 + 10 लिखा हुआ है, तो √2 जो होता है स्क्वायर रूट, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऐसे तमाम स्क्वायर रूट जो कि सॉल्व ना हो सकते हो, सिम्प्लीफाई ना हो सकते हो, वो इरेशनल नंबर होते हैं, उन्हें हमें वो कह रहे हैं कि रैशनलाइज कर दें, रैशनल में कन्वर्ट कर दें। तो इजी, बहुत इजी सवाल है। टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो 1 by 1 हम सारे डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो पार्ट नंबर 1 है 1/√2 + 10। तो √2 + 10 का हम कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कॉन्जुगेट, √2 + 10 का कॉन्जुगेट होगा √2 - 10। तो उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। नीचे देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। रेफरेंस दे दिया हमने फॉर्मूले का, सेंस a² - b² इक्वल होता है a + b × a - b, ठीक है। अब यहाँ पे a की जगह हमारे पास लिखा हुआ है √2 और b की जगह हमारे पास मौजूद है 10। तो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर देना है a² - b² का, तो ये हो जाएगा √2² - 10², यानी कि ये दोनों टर्म जो है मिलके मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये चीज़ बनेगी। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। तो 2 - 100 हमारे पास आ जाएगा 98, माइनस में आएगा क्योंकि 100 बड़ा है, तो माइनस में हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब ये माइनस हम अंदर मूव करा देंगे ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, तो √2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में √2 बन जाएगा, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस को मिलके प्लस बना देगा, तो प्लस में 10 हो जाएगा। तो 10 को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे और माइनस में √2 को हम बाद में लिख देंगे। तो इस तरह से ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगला पार्ट देखते हैं हम, इसमें उससे मिलता जुलता ही यही है। 1/3 + 2√5 मौजूद है हमारे पास, और 3 - 2√5 जो कि इसका कॉन्जुगेट होगा उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और फिर हमारे पास ये फार्मूले का माइनस, यहाँ से ये माइनस देखें, और उसके बाद फिर बी का स्क्वायर है, तो बी में हमारे पास मौजूद है 2√5, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये √2 जो है इन दोनों पर आएगी। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करके और एज इट इज़ यहाँ पर देखें 5 और 2 लिख देते हैं वो, तो ये गलती हो जाती है अक्सर स्टूडेंट से। तो आपने ये पावर दोनों के ऊपर लगानी है, 2 के ऊपर अलग और √5 पर अलग। तो 2 के ऊपर जब पावर लगाएंगे आप, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैंने 4 लिख दिया नीचे, और फिर √5 जो है इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ 5 बचेगा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे मैंने लिखा है 4 × 5। 3 का स्क्वायर जो ये होता है 9, 3 की √2 का मतलब है 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3 = 9 आ जाएगा। ऊपर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इट इज़ न्यूमरेटर मौजूद, न्यूमरेटर में कोई भी सिम्प्लीफिकेशन फिलहाल नहीं होनी है। अच्छा, 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 4 हो जाएगा 20, तो 9 - 20 आ जाएगा -11। तो ये माइनस हम ऊपर जाके अंदर मूव करवा देंगे, तो ये हमारे पास इनकी साइन चेंज हो जाएंगी दोनों की, तो ये हो जाएगा 2√5, माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 जो है प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस, और नीचे से वाला माइनस अब गायब हो जाएगा। अब अगला पार्ट देखते हैं हम, 1/4√3 - 3√6, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये पावर दोनों के ऊपर लगाई, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और √3 जो है 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यानी कि जो पावर दोनों के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय, फिर इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 6 का, तो सिर्फ 6 रह जाएगा,
और ऊपर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, सिर्फ हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम नेसेटी सब ये कॉपी करते जा रहे हैं हम इसको, और नीचे हो रहा है सारे काम जितना भी हो रहा है। तो 16 3 हो जाएगा 48 और 9 6 हो जाएगा 54। 48 माइनस 54 हमने किया तो ये आ गया माइनस में 6, ठीक है। 54 क्योंकि बड़ा था तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पे रिटेन रहेगा। अब माइनस साइन हमने यहाँ पे फ्रैक्शन के साथ लगा दिया है, 4√3 प्लस में 3√6 डिवाइडेड बाय 6, यही इसका फाइनल आंसर है। और जो काम हमें कहा जा रहा था कि डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज करना था, यानी कि डिनोमिनेटर में से जो रेडिकल साइन नज़र आ रहे हैं इनको खत्म करना था, तो देखिए यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये पूरी हो रही है। इससे पिछले पार्ट में भी देखिए हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, रेडिकल साइन से ख़त्म कर दिया है। सिमिलरली यहाँ से भी रेडिकल साइन ख़त्म हो गया है, तो यही काम हमें करना था, ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है। अब हमें पार्ट नंबर 4 देखना है इसका। पार्ट नंबर 4 है 16 डिवाइडेड बाय √12 प्लस में √11, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर रूट इनके कैंसिल होगा, 12 माइनस 11 बचा, तो 12 माइनस 11 1 होता है, 1 को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो इसलिए फाइनल आंसर इसका है 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 √3 माइनस में 11। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, तो आप इसको चाहें तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं कि 32√3 माइनस में 16√11 ये भी लिख सकते हैं। अब अगला पार्ट देखते हैं, 9 √2 डिवाइडेड बाई 9 √2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने कॉन्जुगेट से, जो कि है 9 √2, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कॉन्जुगेट है ये इसका डिनोमिनेटर का, और क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम हम कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा जो है वो वैलिड है मैथ के अंदर। अगर कोई काम आप खुद से करते हैं तो उसका ऑपोजिट भी करना पड़ता है ताकि बैलेंसिंग रहे। अब नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए प्लस बी माइनस बी का, और ऊपर जो है ये दोनों चीज़ें देखें बिल्कुल सेम है, 9 √2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 √2 से, तो दोनों की पावर्स एड होकर हो जाएगा होल स्क्वायर, 9 √2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा माइनस बी होल स्क्वायर का, जिसका मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है। नीचे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास देखें 81, और √2 का स्क्वायर जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 रह जाएगा, 81 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 79। ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 9 स्क्वायर का मतलब होता है 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 81 होता है, फिर 9 2 ये हो जाएगा हमारे पास 18, उसके बाद ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 रह जाएगा यहाँ पर हमारे पास। 81 में 2 ऐड कराया 83 आ गया, और माइनस में 18√2, और यहाँ पर 81 और में से 2 माइनस करा के 79 यहाँ पर नीचे मौजूद है। अब अगला सवाल देखते हैं, √13 प्लस में 3 है डिवाइडेड बाय √13 माइनस में 3 है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं डिनोमिनेटर का, ठीक है, इसको हमें रैशनलाइज करना है तो उसी को उसका जो है हम लेंगे कॉन्जुगेट। उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर का, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये 13 रह जाएगा सिर्फ। ऊपर देखें दोनों चीज़ें न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है एज इट इज़ हैं, तो इसलिए इनके पावर हम ऐड करके कर देंगे, इनको होल स्क्वायर बना देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है हमारे पास, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे के अब अप्लाई कर दिया है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ 13 रह गया यहाँ पर, और 2 13 हो जाएगा 26, सॉरी 2 3 हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। ए हमारे पास √13 था, √13 यहाँ पे एसेट इज़ मौजूद, और ये 2 फॉर्मूले का है, और ये 3 जो है हमारे पास ये बी वाली टर्म है, तो 3 2 हो जाएगा हमारे पास 6, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9। 13 और 9 को ऐड करा देंगे तो 22 बनेगा, 22 प्लस 6 √13, और नीचे हमारे पास 13 और 9 में से हमने 13 और माइनस 9 कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद ये यहाँ पर हमें देखें 2 यहाँ पे हमसे कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन निकाला, 22 को 2 से डिवाइड किया हमने, जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 6 यानी कि 2 का टेबल 3 तक पढ़े तो 6 आता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। 2 1 2 2 2 4 हमने यहाँ पे कैंसिलेशन करवा दी है, 11 + 3 √13 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास फाइनल आंसर है। अब अगला पार्ट देखते हैं, 15 / 7 −2 √5 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया कॉन्जुगेट से, फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला ओपन किया, 2 ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर मल्टीप्लाइड बाय 5, और 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 49 होता है। ऊपर जो है वो फिलहाल सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेशन कराई है, देखें 15 को 7 से मल्टीप्लाई कराया 105, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 30 √5 हमारे पास आ गया है। अब ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया है और 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, रेडिकल 5 के ऊपर जो स्क्वायर अलग से आएगा, और स्क्वायर से इसका रेडिकल ख़त्म होने के बाद ये 5 यहाँ पे मौजूद, 5 4 हो जाएगा 20, और 49 में से 20 माइनस करा के हमारे पास बच गया 29, यही इसका फाइनल आंसर है। अब अगला पार्ट देख लेते हैं,
पार्ट नंबर एट, 11 माइनस अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू प्लस में 11, तो डिनोमिनेटर में है अंडर रूट टू प्लस में 11, इसका कॉन्जुगेट होता है अंडर रूट टू माइनस में 11, उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है इसको। फॉर्मूले का रेफरेंस देके फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। कैलकुलेटर में करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए 11 का स्क्वायर का मतलब है कि 11 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 11 से 121 आ गया है, ठीक है। और डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम, 11 की पावर हम यहाँ पे देखें 12, इस तरह से स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसको मज़ीद क्या क्या चीज़ें रह गई हैं इसमें, तो ये 2 माइनस 121 हमारे पास यहाँ पे मौजूद, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें अंडर रूट टू माइनस में 11 लिखा है, यहाँ पे 11 माइनस में अंडर रूट टू लिखा हुआ है, यानी कि दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट सेम है, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि माइनस एक में से हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 11 प्लस में है, यहाँ 11 माइनस में है, यहाँ माइनस अंडर रूट टू माइनस में है, यहाँ पे अंडर रूट टू जो है वो प्लस में लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने पहली वाले टर्म में से मैंने माइनस कॉमन निकाला ज़बरदस्ती, ताकि ये दोनों जाएँ, तो ये दोनों को एक जैसा बना दिया, उसके बाद इन दोनों की पावर को ऐड करके इनका होल स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया, और नीचे जो है हमने सब्ट्रैक्शन जब की तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है माइनस में 119, क्योंकि 2 छोटा है 121 बड़ा है, तो इसलिए बड़े वाले के साथ जो साइन होती है वही साइन हमने लास्ट में फाइनल आंसर में लिखते हैं। तो ये माइनस से ये ऊपर वाला माइनस दोनों ये कैंसिल आउट हो गए हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, तो 2 आया हमारे पास, 11 टू जो हो जाएगा 22 माइनस में, और अंडर रूट 2 भी मौजूद है साथ में, 11 का स्क्वायर होता है 121, फिर 121 में 2 ऐड कराया तो 123 आया, माइनस में 22 डिवाइडेड अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 119। अब अगला पार्ट देख लेते हैं इसका, पार्ट नंबर 9, 1/√17 प्लस में 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया कॉन्जुगेट से, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन की फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है, 17 माइनस 16 होता है 1, तो 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगला पार्ट सेम पिछले वाले की तरह है, बस फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, यहाँ पे जो है माइनस लिखा हुआ है, तो काम वही वाला करना है, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट किया, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 17 आ गया, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 17 माइनस 16 होता है 1, 1 को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। तो आज की वीडियो में इतना, आप इतना ही, टोटल हमने 10 पार्ट डिस्कस कर लिए सारे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।